हवाई अड्डे का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 23 सितंबर को एक दिवसीय दौरे पर सिक्किम आ रहे हैं। यह ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा हिमालयी राज्य सिक्किम को देश के विमानन मानचित्र पर रखेगा। बीजेपी की सिक्किम कमेटी के अध्यक्ष डीबी चौहान ने बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने उन्हें मोदी के सिक्किम दौरे की जानकारी दी है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने भी प्रधानमंत्री के दौरे की पुष्टि की है। साल 2014 में कार्यभार संभालने के बाद नरेंद्र मोदी का यह दूसरा सिक्किम दौरा होगा। 2016 में सिक्किम के अपने पहले दौरे में प्रधानमंत्री मोदी ने सिक्किम को आधिकारिक तौर पर देश का पहला जैविक राज्य घोषित किया था। मिजोरम प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अनुशासन समिति ने प्रदेश के गृह मंत्री आर लालजिल्याना को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 4 सितंबर को शाम 3 बजे से पहले स्पष्टीकरण मांगा है। दरअसल कांग्रेस के अनुभवी सदस्य और मौजूदा गृह मंत्री आर लालजिल्याना को एमएनएफ नामांकन बोर्ड ने तावी निर्वाचन क्षेत्र में संभावित उम्मीदवार के रूप में नामित किया था। यह कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ और परिणाम स्वरूप कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अनुशासनात्मक समिति को उम्मीद थी कि आर लालजिल्याना सोमवार को कांग्रेस भवन में कांग्रेस के प्रति अपने समर्थन और वफादारी की घोषणा सार्वजनिक रूप से करेंगे। हालांकि मंत्री पिछले 2 दिनों से चुप थे और अनुपस्थिति की छुट्टी ले ली। मंगलवार की शाम को उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। फुटबॉल जगत से राजनीति में आए हाम्रो सिक्किम पार्टी के उपाध्यक्ष बाईचुंग भूटिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक पत्र लिखा है। इस पत्र के जरिए उन्होंने नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस के रूप में बीजेपी और एसडीएफ के बीच राजनीतिक गठबंधन पर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने लिखा है कि राज्य की भ्रष्ट पार्टी एसडीएफ प्रधानमंत्री मोदी की साफ सुथरी छवि को धूमिल कर रही है। मोदी नित बीजेपी एक साफ सुथरी पार्टी है, लेकिन नेडा के रूप में एसडीएफ के साथ गठबंधन बीजेपी के लिए हानिकारक है। उन्होंने कहा कि 21 सितंबर को हाम्रो सिक्किम पार्टी एक बड़े इवेंट के जरिए अपनी क्षमता का प्रदर्शन करेगी, साथ ही पूर्वी जिले के लिए भी अपनी गतिविधियाँ शुरू करेगी। सिक्किम को महत्वपूर्ण रख के आगे काम करेंगे और सिक्किम के युवा को लिए काम करेंगे। आई थिंक हमने इनॉग्रेशन स्पीच में बोला हमारा सिक्किम मुखी और युवा मुखी है, सिक्किम फर्स्ट एंड यूथ फर्स्ट। जो कोई भी पार्टी अगर सिक्किम लेके काम करना चाहता है, वी आर ओपन टू अलायंस विद एनी ऑफ द पार्टी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पहल पर कोहिमा के टीएम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में आज मल्टी स्किल फाउंडेशन कोर्स यानी एमएसएफसी का शुभारंभ किया गया। स्टेट डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन ने लैंड ए हैंड इंडिया के साथ मिलकर सेकेंडरी तथा हायर सेकेंडरी स्कूलों में पेशेदारी शिक्षा को लागू करने के लिए तकनीकी सहयोग देने के उद्देश्य से यह कोर्स शुरू किया है। 9वीं और 10वीं कक्षा के कुल 32 विद्यार्थियों ने इस कोर्स को अपनाया है। एमएसएफसी के अंतर्गत कृषि तकनीक, खाद्य प्रसंस्करण, व्यक्तिगत स्वास्थ्य और हाइजीन, वर्कशॉप एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी आदि कोर्स शामिल है। फुटबॉल के बाद अब किकबॉक्सिंग में भी मेघालय अपनी पहचान बना रहा है। जोवाई की महिला किकबॉक्सर लमदका पतलोंग मेघालय से पहली महिला अंतर्राष्ट्रीय वाको किकबॉक्सर रेफरी चुनी गई है। अपने राज्य को गौरवान्वित करने वाली 28 वर्षीय किकबॉक्सर लमदका पतलोंग प्रदेश के अन्य महिला किकबॉक्सर खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा बन चुकी है। मेघालय में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। राज्य से 2 जूनियर किकबॉक्सर भी अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत का प्रतिनिधित्व करने को तैयार है। इसी महीने 15 से 23 सितंबर के बीच इटली के वेनिस में किकबॉक्सर नथानियल पिनलियांगलांग कुरकालांग और इबाद्री शिशा मुखीम वाको कैडेट्स एंड जूनियर वर्ल्ड किकबॉक्सिंग चैंपियनशिप 2018 में हिस्सा लेने जा रही है। नथानियल जहां कक्षा 9 की छात्रा है, वही इबाद्री शिशा 12वीं कक्षा की छात्रा है। यह दोनों देश के अन्य 10 खिलाड़ियों के साथ भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी।